सो नमस्ते बावलो कसक्का है, वेलकम बैक टू चैनल आर एस के एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। तो आज मेरा है तीसरा दिन, इट्स डे थ्री टू गेट फ्री फ्रॉम एवियन। तो फाइनली आज थर्ड डे है मेरे ट्रीटमेंट का, और आज डॉक्टर जी को थोड़ा सा टाइम मिला है मेरे को टाइम देने के लिए। तो लिटरली हम लोग फर्स्ट डे तो अवेलेबल ही नहीं थे, सेकंड डे भी सब पेशेंट्स को थोड़ा थोड़ा पर्सनल अटेंशन देने का डॉक्टर का टाइम निकल रहा था। तो हमने जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा, मैं कल तो डॉक्टर पूरा रेडी रेडी होकर बैठा था पर वीडियो डॉक्टर देखने का अभी फोन आएगा तो निकलता हूँ। जो आज आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया, मेरा एक्चुअली डिस्कशन का रीजन ये था, मैंने ये बोला आपको कि डिस्कशन करते हैं। इसका रीजन ये कि बहुत लोग अभी मैंने देखा कि सेकंड सिटिंग के लिए भी आए हैं, तो सेकंड सिटिंग के लिए आए तो यहाँ के जो महाराष्ट्र के है, महाराष्ट्र के नहीं तो बाहर के भी बहुत लोग आए हुए मैं बहुत लोगों से मिला और अच्छा कॉन्टैक्ट भी हुआ सबसे। तो अभी ये सबका बोलना है कि इनको इम्प्रूवमेंट्स हुआ, तो आप जैसे मैंने सबसे बात भी किया था इम्प्रूवमेंट्स किस चीज से हुआ, तो वो बहुत लोगों ने बोला कि ट्रीटमेंट लेके ही हुआ, लेकिन मेरा ऐसा है कि एक्सरसाइज बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आप और कुछ एडवाइस दे सकते हो, क्योंकि अभी कैसे आपकी दुआ से मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ गए जो अपने एलियन से रिलेटेड कनेक्ट होते हैं मुझसे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, लास्ट लाइफ में मैंने आपसे यही कहा था कि मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, आपके पास नॉलेज है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू भी लोगों के बीच में भी नॉलेज स्प्रेड हो जाए, ऐसा कुछ मैं चाहता था ये डिस्कशन। देखिए, ये वीडियो के थ्रू मैं सब पेशेंट से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप देखो बीमारी को समझो, ये एक कोई कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी नहीं है कि जो जल्दी आएगी जल्दी चली जाएगी या दोबारा आएगी। कई लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं सर दोबारा तो नहीं होगा, पहली बात तो ये इस तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है मतलब जो कि बड़ी मुश्किल से जाती है। तो जनरली इसका लोग सजेशन देते हैं कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है, बट हम लोग जो अपने इंडिया में जो चल रहा है कल्चर भी तुरंत इवन सेकंड ग्रेड में ही लोग डॉक्टर्स एडवाइस कर देते हैं, फर्स्ट ग्रेड में ही बोल देते हैं कि तुरंत आप ऑपरेशन पे चले जाइए, आपका हिप जॉइंट बहुत खराब हो गया है, आपका घर जाते ही टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी नहीं बचना है ना कि बिल्कुल अभी इमीडिएट अर्जेंट कराना है, नहीं, टेक ए टाइम, पूरा सोचिए समझिए विचार कीजिए और देखिए कि किस हद तक और कब तक हम अपने हिप जॉइंट को सेफ रख सकते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर्स इवन ऑपरेशन के बाद भी कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलता है, तो मोटे मोटे तौर पर मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रिकॉशंस लो मैक्सिमम जितना हो सकता है, जिसमें कि मेजर मैंने तो थ्री प्रिकॉशंस बताए हैं आपको, एक तो बाइक नहीं चलाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, और जो है आपको नी लेवल से नीचे घुटने से नीचे की किसी भी चीज़ पे आपको नहीं बैठना है। ये तीन चीज़ कर लोगे आप तो आपको काफी हद तक अपने हिप जॉइंट को सेफ रख लोगे, लंबे समय तक लॉन्ग टर्म तक इसको बचा के चल सकते हो। क्योंकि कुछ लोग जो रिमोट एरियाज में रहते हैं उनका पर्पज ये होता है कि सर हम मांडी नहीं मार पाते हैं, क्या हम आगे मांडी मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, तो उनको मेरा एक ये आंसर है कि देखो आप मांडी मारने लायक हो जाओगे, पालती मार के या चौकी मारने लायक बन जाओगे, बैठ सकते हो, बट अभी कम से कम एक साल दो साल तक आपको नहीं मारना है। क्योंकि मतलब जब आप उसमें मांडी मार के बैठते हो तो उसमें वेट होता है, तो वो डैमेज कर सकता है। जब आप एक साल दो साल तक आपका वो हिप जॉइंट सेफ रहेगा, जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ अब बोन मजबूत है, उसके बाद ही मैं आपको एडवाइस कर सकूंगा, वो भी आप मेरे से परमिशन ले लेना, जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तभी मैं बोलूंगा आपको। अब आप कहेंगे एक साल दो साल क्यों इतना टाइम लग रहा है, देखो वैसे भी बोन को जोड़ने में या लिगामेंट को जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, बोन को जोड़ने में 2 महीने लगता है, लिगामेंट्स को जोड़ने में लगभग 6 महीना साल भर लगता है। अब चूंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन कम है, ठीक है, हमने ब्लड सर्कुलेशन वहां पर बढ़ाया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के बाद वहां पर न्यूट्रिशन जब पहुंचेगा तो उसके बाद वो थोड़ा टाइम लेगा, 6 महीना साल भर तो मान के चलो कि वो टाइम लेगा ही लेगा, जब वहां न्यूट्रिशन पहुंच के वहां पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। तो इसलिए आपको वहां कम से कम एक साल तो वेट करना ही करना है, उसके बाद जब जैसे अवराल भाई जैसे काफी पुराने पेशेंट हो जाओगे ट्रीटमेंट करके और एक्सरसाइज करके प्रॉपरली फेथफुली एकदम एक्सरसाइज करोगे, आफ्टर दैट मैं कह सकता हूँ कि हाँ अब आप जो है सारे लगभग एक्टिविटीज कर सकते हैं। कई पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जो आज खेतों में भी काम कर रहे हैं, सब कुछ धर्मेंद्र जी हैं, लाइव में आपने कई बार देखा होगा, हमारे कानपुर के पास के एक क्षेत्र में रहने वाले हैं, आज वो खेतों में भी काम करते हैं, बट मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे पेशेंट से बोल दूंगा कि आप भी खेतों में काम करो, भाई उनको भी आज ट्रीटमेंट लिए हुए 2 साल 3 साल हो गए मेरे से, वो नॉर्मली काम कर लेते हैं, ठीक है, तो उतना प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। और बॉडी टू बॉडी पेशेंट टू पेशेंट सबकी कंडीशन अलग होती है और सबको अलग अलग तरह का काम करना है, सबकी अलग अलग लाइफ स्टाइल है, सबकी अलग अलग इम्यूनिटी है, ठीक है, उसके बाद ही उसके बेस पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना फ्री हो।
बट हाँ प्रिकॉशंस हमेशा याद रखना है आपको, वो सब फॉलो करते रहना है ठीक है। और बाकी बैकअप सपोर्ट तो हमारा रहता ही रहता है, यूट्यूब में आप देखते ही रहते हो कि हम जो अपना आपको लाइव सेशन जो हम एक्सरसाइज से कराते रहते हैं हर वेडनेसडे को सुबह 8 से 9, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए, जरूर उसको खोल के उस समय बैठ जाइए, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन देना है, कितने सेकंड्स तक रुकना है, बिल्कुल मैं एक एक चीज वैसे ही कराता हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है ठीक है। उसमें आपको देखोगे मुश्किल से आप 15 दिन 20 दिन जैसे ही फॉलो करोगे काफी हद तक 20-50% के आसपास इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा, देन आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाओगे, उसके बाद आप फर्दर आप अप्रोच कर सकते हो नेक्स्ट लेवल के ट्रीटमेंट के लिए ठीक है। मुझे अभी भी याद है मैं वो पूना बाइक से गया था और डॉक्टर साहब ने मुझे मेरा वीडियो अपलोड करने का उसको फोन करके मुझे चिल्लाए थे आप आपको ये नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब जनरल प्रॉब्लम था, मेरी गाड़ी खराब हो गई और उसी नाइट को और वो जाना मुझे जरूरी था, लेकिन कमेंट पे भी डाला था और फोन भी किया था किस तरह का। एक्चुअली वो मेरा जनरल प्रॉब्लम था, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि उस ट्रिप के बाद आपने मेरी हालत देखी ली थी, मुझे पेन फिर से आ गया था, तो 2 दिन रेस्ट करने के बाद फिर से कम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को रिस्की था, मैंने रिस्क लिया, तो मैं खुद भी मेरे वीडियो के एंड में बोला है कि आप बाइक इग्नोर ही कीजिए, तो जब तक आप पॉजिटिवली रिकवरी आपको फील नहीं हो, डॉक्टर के प्रिकॉशन मतलब वो बता नहीं दे अच्छे से कि कितना रिकवरी हुआ, तो मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ डॉक्टर आपको, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मुझे देख के आपको ऐसा लगा था कि थोड़ा भी रिकवर कर पाऊंगा या फिर उनकी कंडीशन थोड़ी खराब थी, मतलब जिस हिसाब से इनकी चाल थी, चाल भी काफी बिगड़ चुकी थी, एग्जाम भी मैंने देखा था बहुत ज्यादा खराब था, लगभग वो 4th ग्रेड का था, उसका शेप साइज बिगड़ा हुआ था, और मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब पेशेंट्स की कंडीशन और जो रिपोर्ट्स हैं उसको देख करके लगता है कि पेशेंट सीरियस है, बट हर चीज से डॉक्यूमेंट या बुक्स पे नहीं जाता, समटाइम्स बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं और बहुत अच्छा रहता है कि अच्छा कुछ इनका भी हार्डवर्क बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा रॉ डाइट एंड वाटर फास्टिंग भी किया, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से किया, तो जिस उसकी वजह से आपने इनकी कंडीशन की हर वीडियो में देखी होगी, इनके अच्छे से सब स्किपिंग भी कर लेते हैं, सीढ़ियां भी चढ़ रहे हैं, काफी टंकी भी सब देखा, भागने का मेरा प्लान है कि मैं 1 किलोमीटर भाग के, नहीं थोड़ा आराम से, अभी थोड़ा सा कहना कि नॉर्मल लाइफ को आराम से चलाओ, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट के बाद आदमी नॉर्मल लाइफ को ही पहले टारगेट बनाता है, और वो बन जाए तो सबसे समझ लीजिए आपका लगभग 90% टारगेट हो गया ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं और आराम आराम से मतलब। मुझे याद है मेरे लाइव में एक बंदे ने नाम मुझे याद नहीं अभी था, वो मुझे कमेंट्स में आके बार बार बोल रहे थे कि यार आप रिप्लेस करवा लो, मैंने करवा लिया ये सब फेक है, मैंने इतना ही उनको कमेंट में डाल दिया था, मैं अब जो रेगुलर व्यूअर्स उनको मालूम ही होगा अगर वीडियो देखा है, तो मैंने इतना उनको कहा था एक काम कीजिए आप मुझे मिली है, मुंबई में कभी भी आइए मुझे मिली है, जो सारी चीजें मैं अब भी कर पा रहा हूँ स्टेज अभी 4 साल बाद आप रिप्लेसमेंट कर लिए वो सारी चीजें मेरे साथ करके दिखाई, सी बात ठीक है मैं स्किपिंग कर लेता हूँ आप स्किपिंग करके दिखाइए मेरे साथ, दौड़ के दिखाइए, चल के दिखाइए, सीढ़ियां मैं जो मेरी टेरेस की सीधी सीढ़ी है मैं पहले 2 स्टेप चढ़ने के बाद भी मेरी मतलब लिटरली मैं समझ में आता था कि नहीं चढ़ पाऊंगा मैं छोड़ देता था, आज मैं टेरेस के ऊपर जाके बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, यही है कि मतलब आपको पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन मैंने फर्स्ट जब ली थी तभी भी मुझे फायदा महसूस हुआ था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था, दूर भी होता है मतलब लॉकडाउन भी लग गया था और मेरा इवेंट का काम है थोड़ा सा, बहुत सारा फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे थे उस वक्त, आज आपने मुझे इन्वाइट किया पर मुझे बहुत मतलब दिल से थैंक यू कि आपने जो पॉजिटिविटी दिखाई मेरी तरफ उसकी वजह से मैं आज आ पाया, और बस यही था यार मैं चाहता था कि मतलब मैं क्या होता मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, डॉक्टर के पास नॉलेज है तो बहुत सी चीजें इनकी मैंने फॉलो की है, जैसे एक्सरसाइज का डॉक्टर ने कहा तो एक्सरसाइज मैंने डॉक्टर 2019 में मैंने लिया था, उसके बाद मार्च के आसपास लॉकडाउन लगा तो मेरे लिए वो प्लस पॉइंट था फिजिकली रिकवर करने का, मेरी एक्टिविटी बहुत कम हो गई, आमतौर कम हो गया और एक्सरसाइज मैंने रेगुलर बेसिस पे की, तो एक्सरसाइज का अगर आप मुझे पूछो कि आपने कितना टाइम किया ना तो मैंने साल भर तो एक्सरसाइज नॉन स्टॉप की, मतलब बहुत कम एक आध दिन कभी मिस हुआ रहेगा, तो उसके बाद फिर से काम चालू हुए तो बीच बीच में कभी गैप पड़ा होगा, लेकिन वो साल भर का जो मैंने एक्सरसाइज किया मुझे बहुत फायदा किया इस ट्रीटमेंट के बाद, और मेडिसिन से भी अच्छा खासा फायदा हुआ था, तो बस यही है आपके मतलब ये डिस्कशन अभी ज्यादा लंबा नहीं रखते, बस इतना ही कि डॉक्टर ये 2 चीजें जो मैंने नहीं देखी अभी, सॉरी एक अभी वो बेल्ट वाला तो उसका भी वीडियो अगर आप परमिशन दो तो आने वाले 1-2 दिन में वीडियो निकाल के डाल सकते हैं, मैं ये कहूँ कि डॉक्टर इतने जेन्युइन है, आपने देखा रहेगा कि बहुत से और डॉक्टर्स है यूट्यूब पे तो जिन्होंने सिर्फ पेशेंट की प्री और पोस्ट कंडीशन दिख ली है,
लेकिन अपना ट्रीटमेंट लोगों के साथ शेयर करने वाले ये पहले डॉक्टर है। तो इनसे इनका देखो, मैं आज तक इसको प्रमोट नहीं किया है और ना ही मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि इनकी इतनी खासियत है ना, ये लॉयलिटी के साथ आपके पास अपना ट्रीटमेंट पहुंचा रहे हैं कि हम ये सब कर रहे हैं और इनसे सबको फायदा हुआ है और ये पर्सनल अटेंशन देते हैं पेशेंट्स के पास। और इनके पूरे स्टाफ भी अभी मैंने देखा है, बहुत अच्छे है, बहुत पर्सनल, बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं सारे लोग। तो कैंप तो एक साइड है, कानपुर में भी आपको अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा, लेकिन बाकी जब कैंप भी कहीं पे भी ये करते हैं तो आपको जरूर एक बार विजिट कर लीजिए। मेरे ओपिनियन है, ये डिसीजन तो हर किसी को अपना खुद डिसीजन लेने का राइट है। मेरा ओपिनियन ये है कि मैं आज सेकेंड टाइम यहाँ पर आया हूँ, उसका रीजन एक ही है कि मुझे फर्स्ट ट्रीटमेंट से फायदा हुआ था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 3-3 महीने में आपको आना है, तो मैं वो कर नहीं पाया, लेकिन अभी सेकंड ट्रीटमेंट आज थर्ड मेरी सिटी थर्ड डे है, थर्ड डे का फर्स्ट सिटिंग मुझे अभी भी, मैं लिटरली सिंपली उठ रहा हूँ, नॉर्मल चल रहा हूँ अभी इसमें ट्रीटमेंट। मैंने अभी मैं ट्रीटमेंट ले लिया है, थर्ड वाला नॉर्मल चल रहा हूँ, कोई अभी कोई ऐसा पेन या प्रॉब्लम नहीं हो रहा। यही आप इनके फर्स्ट वीडियो में देखोगे, उसमें बहुत ज्यादा लिम्पिंग था, चार बिगड़ चुके हैं। और ट्रीटमेंट के बाद भी, तो ट्रीटमेंट के बाद भी आपको कुछ लोगों के, अभी जैसे मैंने कहा है कि शर्मा जी कांटेक्ट में आए, तो उनको 4 दिन में ही रिलीफ फील हुआ और बहुत खुश थे, फोन किया। और ऐसी बहुत लोग हैं जिनको बहुत जल्दी ही रिलीफ मिला, लेकिन कुछ लोग हैं मेरे जैसे जिनको ट्रीटमेंट के बाद 1 हफ्ता कम से कम रेस्ट लेना पड़ा था। 1 हफ्ता मुझे रेस्ट के बाद मुझे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुई, इसके बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की और जो मैंने यहाँ पे करके गया था ना, उसका फायदा मुझे समझो महीनों बाद पता चला। तो ऐसा नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट लिए ओवरनाइट घर पे जाके बोलोगे मैंने ट्रीटमेंट लेके आई मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो ये नहीं होने वाला। आपको पेशेंस रखना है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन ओपन होने के बाद जब पेशेंट पहुंचे वहां पे तभी तो कुछ इंप्रूवमेंट। यही पॉइंट जो आपने क्लियरली बताया, तो मैं शायद वो बता नहीं पा रहा था, मैं तो सिंपल वर्ड में यही कह रहा था कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा पेशेंस रखना है। तो जैसे आपने बोला कि ब्लड सर्कुलेशन ओपन हो जाता है, लेकिन वो पहुंचने के बाद वो चीजें रीग्रो होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो अब तो मेरे लिए प्लानिंग है कि जनवरी में जब हम निकालेंगे तो दिसंबर में आपके लौटने का। अभी ना मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया, उसने नवंबर में हिप रिप्लेसमेंट कराया था और उसके बाद भी उसको स्टिल नो पेन हो रहा है, यानी इसका लड़का है। अच्छा, अगर इसके बाद भी पेन हो रहा है तो उसके पास समझ लीजिए क्या है, मतलब रिप्लेसमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ उसको, स्टिल नो पेन है। पेन तो पेन के बेस पे नहीं आपको जज करना, पेन धीरे धीरे तो कम हो गई, काफी हद तक लाइफ चलेगी। और रिप्लेसमेंट के बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा या पहले जैसी लाइफ हो जाएगी, प्रिकॉशंस तब भी फॉलो करने, पेन तब भी बढ़ सकता है, लिम्पिंग तब भी हो सकती है, पैर छोटा बड़ा तब भी हो सकता है। जब यही सब होना है तो फिर ओरिजिनल रूप क्यों ना सेफ करके चले, वही सब उसको मैनेज करें। यही इसी वर्ड में मैंने कहा, जो भी मुझे ऐसा रिप्लेसमेंट वाले आ रहे थे, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था आपने रिप्लेसमेंट कर लिया, आप हेल्दी लाइफ जी रहे हो तो आप एवियन से मतलब क्यों सर्च कर रहे हो फिर से। कहीं ना कहीं मेंटली आपको भी पता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आप दूसरों के ऊपर डाल नहीं सकते। मैंने कभी डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे सब सामने से किसी ने पूछा कि मुझे विजय प्रकाश जी के यहाँ पे जाना चाहिए क्या, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स को भी पता है, मैंने डायरेक्टली कभी नहीं बनी आप चाहिए आप ले लीजिए, ऐसा मैंने कभी किसी को नहीं कहा। मैंने एक ही कहा, आप डॉक्टर से रिपोर्ट भेजिए, वो क्या कह रहे हैं उनकी एडवाइस लीजिए और एक बार आप जाके ट्राई करके लीजिए, जब आप ट्राई करोगे तो आप खुद समझ आएगा कि आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर्स के 3 सिटिंग है, आपको नहीं लगता फिर तो आगे मत लीजिए, लेकिन ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है ना। और फर्स्ट सिटिंग में लोगों को आज यहाँ पे सेकंड सिटिंग वाले भी आए, थर्ड सिटिंग वाले भी आए, वो इसलिए आए क्योंकि आपको फायदा हुआ है ना। तो वही है, और मेंटली तो आपको यही चीज प्रिपेयर रखनी है कि ओवर द नाइट ठीक होने वाली बीमारी तो ये नहीं है। मैं 4 साल से गुजर रहा हूँ, स्टार्टिंग के 2 साल मैंने डिप्रेशन में रोते हुए गुजारे, कुछ नहीं किया था, मैंने एलोपैथी के टैबलेट्स ले रहा था, बेड रेस्ट लिया था, बेड रेस्ट में आज ओपनली बोल सकता हूँ मेरे लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। 3 महीना मैं बेड पे था, उसके बाद मुझे जो सपोर्ट वपोर्ट लेके उतरना चढ़ना पड़ता था भाई का सपोर्ट लेके, वो मेरे लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। 100% बेड रेस्ट पे मत जाइए, मेरी एडवाइस है ये। बाकी आपको पता है आपको कितना पेन हो रहा है, आपको कितना संभालना है, ऐसे नहीं कि बेड रेस्ट मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल काम एकदम से हैवी काम करिए, ऐसा नहीं है, थोड़े से लेकिन मूवमेंट्स ओनली 1 वीक का बेड रेस्ट लेना है। सपोज कोई इमरजेंसी कोई बात हो जाती है, कोई पेन बढ़ गया है अचानक से, कोई झटका लग गया है, कोई चोट लग गई है, किसी तरह की प्रॉब्लम है,
तो अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं बेड रेस्ट के लिए तो ओनली 1 वीक का बेड रेस्ट लीजिए, और फिर भी अपने डॉक्टर्स की सलाह को थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मैं हमेशा हर पेशेंट कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, 1 वीक 2 वीक ले लीजिए, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना। 1 वीक के बाद होता क्या है कि अगर लंबा बेड रेस्ट रखोगे तो मसल्स वीक हो जाती है, और वीक होने से वो सपोर्ट नहीं करते, फिर आप और डाउन होते चले जाओगे, बहुत ज्यादा लंबा बेड रेस्ट लेना ठीक नहीं। जैसे मैंने बोला कि आपके ट्रीटमेंट के बाद भी 1 वीक बेड रेस्ट लिया था मैं, हाँ। उसका पेन कम होने लग गया, मैं नॉर्मल एक्टिविटीज पे आ गया था। तो दैट्स इट, मतलब बहुत से पॉइंट्स आई गेस हमने कवर कर लिए। इसके अलावा भी आपके कुछ भी हो पॉइंट्स तो आप इस कमेंट में डाल सकते हो, और नेक्स्ट जो आएगा कल का तो लाइव में डॉक्टर के साथ जाएंगे, उनके चैनल पे भी, मेरे चैनल पे भी। तो लेट्स सी, कल शायद से हमारे 50 लोग कम से कम रहेंगे हमारे एक्सरसाइज में, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत लोग मुझे से इंडिविजुअल मिले, तो कल मैं प्लान कर रहा हूँ सबसे एक साथ मिल लूँ। तो डॉक्टर की मेहरबानी से आपकी थोड़ा सा लिंक बैठ गया था यूट्यूब में भी, लेकिन ये एवियन आज के डेट में बहुत कॉमन हुआ है, तो जो जितना मेंटल स्ट्रेस डाल रहे हो अपने ऊपर वो मत डालिए फिलहाल के लिए। बहुत लोगों को कोरोना के बाद भी हुआ है, जो लोग व्यूअर्स है बट सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं, बट लोगों के माइंड में एक ये आया है क्वेश्चन कि कोरोना के बाद लोगों को एवियन हो रहा है, प्लस नहीं भी एवियन हो रहा है तो उनको अपने ज्वाइंट्स को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, ये लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिये, आप जो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो उसके अलावा या उसकी जगह आप ये योगा जितनी एक्सरसाइज है उसको जरूर कीजिए, क्योंकि योगा एक्सरसाइज में क्या होता है, जॉइंट्स के चारों को ओपन किया जाता है, ओपन होने से क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, ठीक है, इन कंपैरिजन जो जिम वाली एक्सरसाइज के कंपैरिजन में। तो पोस्ट कोविड अगर आपको अपने जॉइंट्स को मजबूत रखना है तो आप कल का जो हम लोग का लाइव सेशन है उसको जरूर अटेंड कीजिए, और उसको अपनी लाइफ में ढाल लीजिए, और उसको रिपीटेड अपनी लाइफ में सुबह शाम या दिन में एक बार तो कम से कम करिए, तो आपके जॉइंट्स की ओपन रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन ओपन रहेगा, प्लस कुछ लोगों को हार्ट अटैक के भी सिम्टम्स आ रहे हैं या हो रहे हैं, मतलब तो उससे ब्लड सर्कुलेशन खुलने से और उसके रनिंग ज्यादा होने से उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं, तो आपको योगा पोजेस एंड योगा एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट कोविड एक बहुत अच्छी चीज है, आप लोग इसको जरूर सारे प्रिकॉशंस रखिए, और थैंक डॉक्टर आज आपने वापस मुझे टाइम दिया थोड़ा सा, और अपने व्यूवर्स के लिए भी फायदेमंद रहेगा ये वीडियो, जरूरी जरूर फायदेमंद रहेगा, बाकी सब तो हम शेयर कर ही रहे। तो और भी कुछ आपके क्वेश्चन रहेंगे, मैं 2 दिन और यहाँ पे डॉक्टर के साथ हूँ, ये ब्लॉग आने के बाद और एक ही दिन रहूँगा शायद, ये मेरा परसों अपलोड होगा, तो इसके बाद एक दिन और मैं रहूँगा, तो आपके जो भी कमेंट्स एक दिन में आ रहे हैं मैं जरूर डॉक्टर से शेयर करूँगा, और उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। So thanks for watching. Thank you, Dr. Jai Hind, Jai Maharashtra, Vande Mataram, take care guys. Most of all.